कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर फंडामेंटल के इस कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है रैम एंड रोम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम कंप्यूटर में इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि रैम क्या होता है, साथ ही साथ रोम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको व्हाट इज़ रैम फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब रैम के बारे में बताएंगे रैम क्या होता है, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जब तक पावर सप्लाई होगा तब तक रैम में डेटा रहेगा, जैसे ही पावर कट होगा आपका जो भी डेटा रैम में था वो इरेज हो जाएगा। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसको हम कहते हैं वोलाटाइल के अलावा भी। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि CPU इसके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करता है, ठीक। द टास्क करंटली परफॉर्म्ड बाय द CPU आर स्टोर्ड इन रैम। CPU जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा होता है कंप्यूटर ऑन होने के बाद, हम जो भी काम कर रहे होते हैं CPU के थ्रू कंप्यूटर में, वो सारा काम का जो स्टोरेज होता है, जितनी भी मेमोरी लगती है वो रैम प्रोवाइड करता है। और जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसका जो भी स्टोरेज चाहिए होता है वो रैम में ही स्टोर होता है आके, ठीक है। रैम ही उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिना रैम के हम कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो आपको याद क्या रखना है रैम के बारे में, रैम इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। सबसे पहली बात तो ये जो रैम है ये एक मेमोरी है और ये CPU का ही पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, रैम डेटा डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय दी CPU। रैम का जो डेटा है वो CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ वेरी फास्ट मेमोरी। रैम एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये CPU के बहुत ही क्लोज होता है और ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है रैम। अब बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ रैम के बारे में, ठीक है। उससे पहले आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को लेके क्रिकेट खेलो, ठीक है, तो अगर आपको क्रिकेट खेलना होगा तो आपको कम से कम एक ग्राउंड चाहिए होगा, स्पेस, तभी आप क्रिकेट खेल सकते हो। और जब आप खेल रहे होंगे तो आपको ये ग्राउंड चाहिए ही चाहिए होगा, तभी आप यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी काम करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करके काम कर रहे होते हैं, तो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, उसमें काम करने के लिए कुछ स्टोरेज लगता है, मेमोरी लगती है। तो वो स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को, ये रैम प्रोवाइड करता है। और जो भी एप्लीकेशन हम कंप्यूटर सिस्टम में रन कर रहे होते हैं, अगर आप गेम खेल रहे हैं या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ भी PPT बना रहे, तो ये जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो हमारा रैम में ही जाके स्टोर रहता है, ठीक है। रैम ही उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज देता है। तो रियल लाइफ में आपको क्रिकेट खेलने के लिए जिस तरह से मैदान चाहिए स्टोरेज के लिए, एक खुला मैदान चाहिए तभी आप खेल सकते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में आपको जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए स्टोरेज चाहिए होता है और वो रैम प्रोवाइड करता है। तो रैम दो तरह का होता है, एक होता है SRAM जिसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, एक होता है DRAM जिसको डायनेमिक रैम बोलते हैं। तो ये SRAM क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा रिमेंस इन स्टैटिक रैम एज लॉन्ग एज देयर इज पावर सप्लाई। जब तक आपके सिस्टम में पावर सप्लाई रहेगा तभी तक इस स्टैटिक रैम में आपका डेटा रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब जब तक बिजली रहेगी SRAM में, जब तक बिजली जाती रहेगी तब तक इसमें आपका जो भी डेटा है वो रहेगा, ठीक। आपको याद क्या रखना है SRAM के बारे में, इट डजंट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। स्टैटिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसमें डेटा सेव रहता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज कैश मेमोरी। हमारा जो CPU है ना वो उसको एज अ कैश मेमोरी भी यूज़ करता है, किसको, स्टैटिक रैम को। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक रैम। अब चलिए हम आपको क्या बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं डायनेमिक रैम के बारे में। अगर बात करें DRAM का, तो इसका पूरा नाम होता है DRAM स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द DRAM ओनली वेन इट इज़ रिफ्रेश्ड फ्रिक्वेंटली। हमारे DRAM में डेटा तभी स्टोर होगा जब हमें इसे बार बार, अगर हम इसे रिफ्रेश करते रहेंगे DRAM को, तभी इसमें डेटा स्टोर होगा, नहीं तो इसमें डेटा स्टोर नहीं होगा। अगर हम स्टैटिक रैम की बात करें तो उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डायनेमिक रैम को अगर आप रिफ्रेश करते रहेंगे तभी आपका डेटा इसमें स्टोर होगा, नहीं तो स्टोर नहीं होगा। तो अभी आपको मैं ये बताता हूँ फिगर के थ्रू कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ये मान लो अपना कंप्यूटर है, ये कब
डी रैम या फिर एस रैम मेमोरी को यूज़ करता है। तो ये क्या है, ये है अपना सीपीयू। ठीक, मैंने यहाँ पे बना दिया सीपीयू। तो यहाँ पे मान लो दो मेमोरी है, ये हो गया हमारा एस रैम, स्टैटिक रैम एस, ठीक है। और यहाँ पे एक और मेमोरी है, इसको बोलते हैं डी रैम यानी डायनेमिक रैम। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टैटिक रैम मेमोरी को तब यूज़ करता है जैसे मान लीजिए आप पीपीटी ओपन करके प्रेजेंट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का काम अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टैटिक रैम यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर के द्वारा। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्रिकेट मैच का लाइव स्कोर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम डायनेमिक रैम मेमोरी को यूज़ करेगा, क्योंकि क्रिकेट का जो स्कोर है वो एक एक सेकंड में बदलते रहता है। तो अगर डायनेमिक रैम हमारे डेटा को रिफ्रेश बार बार नहीं करेगा या फिर हम इसे रिफ्रेश नहीं करेंगे तो हमें स्टार्टिंग में जो क्रिकेट का स्कोर यहाँ पे देखने को मिला वही स्कोर शो होता रहेगा, नया स्कोर हमारे सामने आएगा ही नहीं। तो अगर हम क्रिकेट का स्कोर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम एक एक सेकेंड में या फिर एक एक मिनट में उसको रिफ्रेश करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कितना रन बना इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक रैम यूज़ होता है इस तरह के केस में जहाँ पे लाइव काम होते रहता है, लाइव अपडेट आते रहता है, ठीक है। और मान लीजिए जहाँ पे लाइव अपडेट नहीं आते रहता है, बस आपको कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना है, तो वहाँ पे स्टैटिक रैम हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है। तो ये हो गया हमारा रैम कंप्यूटर मेमोरी। अब चलिए एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रोम। तो रोम क्या होता है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज रोम। अब हम रोम के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि ये क्या होता है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है, फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, नाम से ही पता चलता होगा सिर्फ रीड कर सकते हैं। इन दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। रोम में क्या होता है कि हम सिर्फ इसके डेटा को रीड कर सकते हैं और इसमें राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम डेटा इज़ परमानेंटली ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रोम का डेटा जो है वो परमानेंटली होता है, परमानेंटली इसमें स्टोर रहता है। जब इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है उसी टाइम पर रोम में डेटा परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब पावर कट हो जाने के बाद में भी इसमें जो डेटा फिट कर दिया गया है, जो परमानेंटली स्टोर हो गया है, वो हमेशा ही रहेगा। ये नहीं कि पावर कट हो गया तो डेटा चला जाए। तो इसका भी रियल लाइफ एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए ये क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम है और ये है अपना कंप्यूटर का जान, यही एक्चुअल में कंप्यूटर है, ठीक है, सीपीयू। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, सीपीयू से कनेक्टेड है अपना ये मॉनिटर, इसको बोलते हैं मॉनिटर। अब मान लो यहाँ पे एक और फंक्शन है अपने पास जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कीबोर्ड। रियल लाइफ एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, कनेक्टेड है यहाँ पे मॉनिटर के साथ और इधर सीपीयू में कनेक्टेड है। उसके बाद अपने पास एक और होता है, ठीक है, इस टाइप का, जिसको बोलते हैं हम माउस, ठीक है। माउस का एक वायर इधर रहता है और एक वायर इधर सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। तो रोम ही वो मेमोरी है जो कंप्यूटर को बताता है कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और आप में आपसे बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट जुड़े हुए हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। कंप्यूटर तो एक्चुअल में ये है, तो रोम में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख दी जाती है जब रोम मेमोरी को बनाया जाता है। जब कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जाता है तो रोम मेमोरी उसमें लगाते हैं, तो रोम में ये सारी इन्फॉर्मेशन फिट करके रखी हुई है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच्ड हैं। और कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या क्या काम कर सकता है वो कंप्यूटर है, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रोम से ही पता चलता है, रोम ही उसको बताता है। तो बिना रोम के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। हम इंसान हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमारा माइंड हमें बताता है, ठीक है। हमारे ब्रेन में ये सारी चीज़ें स्टोर है परमानेंटली, ऐसा नहीं कि हम कल सुबह उठेंगे तो हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। तो ठीक इसी तरह कंप्यूटर को भी, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर को कौन बताता है कि तुम स्टार्ट होने वाले हो, स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर में पासवर्ड लगा हुआ है तो वो पासवर्ड एंटर करने से ही कंप्यूटर हमारा खुल जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन रोम मेमोरी में जाके परमानेंटली स्टोर्ड है, ठीक है। सही पासवर्ड डालेंगे तभी कंप्यूटर हमारा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है वो रैम में पहले से ही डेवलपर लोगों ने फिट करके ये इन्फॉर्मेशन क्रिएशन के टाइम ही रख दिया है। तो बस यही होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। अब हम आपको इसके टाइप के बारे में बताते हैं। पहला टाइप होता है पी रोम, इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह ऐसा मेमोरी होता है जिसमें केवल एक बार ही
डेटा राइट किया जा सकता है, ठीक है, राइट किया जाता है और वो परमानेंट स्टोर रहता है पी रोम में, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ई पी रोम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा हमारे रोम में स्टोर्ड है परमानेंटली, मैंने आपको बताया रोम का डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, तो अगर हम इसके डेटा को इरेज करना चाहें तो इसके डेटा को इरेज भी किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू अगर हम डेटा को, रोम के डेटा को इरेज करते हैं तो वहाँ पे EPROM यूज़ होता है, ठीक है। EPROM अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू रोम के डेटा को इरेज करता है, इसीलिए इसका नाम है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको EPROM बोलते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू डेटा को इरेज कर रहे हैं तब वहाँ पे हमारा ये वाला मेमोरी यूज़ होता है। रोम के डेटा को इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू इरेज किया जा रहा है अगर, तो वहाँ पे EEPROM मेमोरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रोम मेमोरी का अगर आप लाइव प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करिएगा बायोस सेटअप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में, हर कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर रहता है, तो ये रोम में ही ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा गया है, ठीक है, जिसको हम बायोस सेटअप ओपन करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करिएगा तो आपका बायोस सेटअप ओपन हो जाएगा। हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है ओपन करने के लिए बायोस सेटअप, और यहाँ पे जो भी डेटा परमानेंट लिखा गया वो रोम मेमोरी में स्टोर है। तो ये हो गया रोम का लाइव प्रैक्टिकल। तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू रैम और रोम क्या होता है बढ़िया से समझा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।